इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। संसार से एक दिन जाना है, ऐसा जानते हुए भी हम माया मोह में क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि अभी और अधिक देखने, सुनने, भोगने की इच्छा बनी हुई है। ज्ञान जब तक हृदय की गहराई में और आचरण में नहीं उतरता, तब तक माया मोह का फंदा नहीं टूटता। आपको भी तो मालूम है कि एक दिन मुझे संसार को छोड़कर जाना है, और उस समय कुछ साथ में नहीं जाएगा, तो कोशिश करें अभी से सबका मोह छोड़ करके जीवन जिए, और आप देखेंगे कि पूरा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। मोह को तुमने अपना प्राण समझ रखा है, वह जीवन के लिए फांसी है, ऐसा समझो। एक साहब के जो प्रश्नों के जो उत्तर हैं, वो बड़ा साहस देते हैं, हिम्मत देते हैं। कई बार पहले कार्ड आया करते थे, कार्ड लिख करके कोई भेज देता था कि इस कार्ड को आगे 10 लोगों को भेजो तो लाभ मिलेगा, नहीं तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। अब व्हाट्सएप में आ गई हैं चीज़ें, ये व्हाट्सएप को आगे फॉरवर्ड करो इतने ग्रुप को, नहीं तो तुमको नुकसान होगा। ऐसा ही एक प्रश्न है, कई बार ऐसा कार्ड या पर्चा मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि किसी खास स्थान या मंदिर में किसी आदमी को देवी जी या हनुमान जी या किसी नाग देवता ने दर्शन दिया है और कहा है कि जो मेरे नाम से इतने कार्ड लिखकर या पैम्पलेट छपवा कर बांटेगा उसे ऐसा लाभ होगा, और जो इसे फाड़ कर फेंक देगा तो उसकी यह हानि होगी, तो क्या यह सही है? यह धूर्तों का प्रपंच है। जो कमजोर मन वाला है, जो भावुक है, वह व्यक्ति ही ऐसा कार्ड या पर्चा पढ़कर भ्रम में पड़ता है। सुनो, ऐसा कार्ड मिले तो उसे तुरंत फाड़कर फेंक देना चाहिए। कार्ड को फाड़कर फेंक देने से कोई हानि नहीं है, हाँ ऐसा कार्ड लिखकर पर्चा छपवा कर बांटो तो उससे समय, शक्ति और पैसे की हानि अवश्य होती है। अरे भाई, पोस्ट ऑफिसों में पोस्ट कार्डों का अभाव होता है, और तुम ऐसी गलत चीजों को फैला रहे हो, उसमें वेस्ट कर रहे हो, और पोस्टमैन को ऐसे कार्डों को बांटने के लिए बिना जरूरत के परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए इस झांसे में मत फंसो। क्रोध और जलन में क्या फर्क है? जलन, जलन माने ईर्ष्या, किसी के प्रति ईर्ष्या रखना और किसी के प्रति क्रोध, इन दोनों में क्या फर्क है? जब हमारे मन की किसी कामना की पूर्ति में किसी की बाधा पड़ती है, या अनसुहाती बातें हम सुनते हैं,
तब क्रोध होता है।